रामविलास पासवान अमर रहे। जो भी समस्या होगी तुरंत फौरी तौर पर उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, प्रशासनिक स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, या जो भी समस्या हो उसका हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका सीधा, कि उसका जल्द से जल्द उसका समाधान हो। निरंतरता में हम लोग इस तरीके के जनता दरबार का हम लोग आयोजन करते रहे हैं, जहाँ पे जनता से सीधा मुलाकात करके, पर ये सीधी बात हम लोग पूरे बिहार प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर बिहार की जनता से मुलाकात कर उनके साथ ये सीधी बात का हम लोग संवाद कर रहे हैं। हम लोग रोहतास में थे 2 दिन पहले, वहाँ पर भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। कल मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने इसी तरीके का हम लोगों ने संवाद साधा वहाँ के लोगों के साथ। मुजफ्फरपुर महत्वपूर्ण आज की तारीख में इसलिए भी बन जाता है क्योंकि एक उपचुनाव उसी ज़िले में होने वाला है, कुर्नी विधानसभा में वहाँ पे चुनाव है, उसको लेकर भी हम लोगों ने चर्चा की। हकीकत है कि आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार के हालात बने हुए हैं, बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार आई है, ये एक ऐसी सरकार है जो कि अपने अपने हितों को साधने के लिए बनी हुई सरकार है। भाई कोई ये नहीं कह सकता कि बिहार में कोई विकास के कार्य लंबित पड़े हुए थे इसलिए इस गठबंधन का होना ज़रूरी था। हकीकत है कि एक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बने रहना चाहते थे और डर था, उनको भय था कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई अपने नेता को उनकी जगह मुख्यमंत्री ना बना दे, इस डर से वो भागे हैं, इस डर से वो महागठबंधन में गए। और दूसरा एक ऐसा दल जो कि लंबे समय से सत्ता से बाहर था, उनको सत्ता में आना था, इसीलिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बनाया गया ये गठबंधन है। परिणाम स्वरूप बिहार की बदहाली पर आज की तारीख में ध्यान देने वाला कोई नहीं है। भाई बहुत जल्दी इसकी भी औपचारिक घोषणा, अभी तो हम लोगों ने इस बात की घोषणा हम लोगों ने करी दी है। मेरी पिछले दिनों एक लंबी मुलाकात भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ हुई, विभिन्न विषयों पर उस दिन चर्चा हुई, लंबी मुलाकात थी। उसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जितने उपचुनाव हैं उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी और एनडीए प्रत्याशियों को जिताने के लिए हम लोग प्रचार करेंगे। पर जहां तक रही बात इस एनडीए गठबंधन में आने की, अभी सिर्फ समर्थन की घोषणा है, गठबंधन की घोषणा से पहले कुछ और विषय हैं जिसपे एक बार पूरी तरीके से बातचीत हो जाए। मेरी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात इसके बाद होनी है और मुझे लगता है इन मुलाकातों के बाद इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल दिल्ली में चुनाव हैं, गुजरात में चुनाव हैं, हिमाचल के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, तो तमाम दल वहां से एक बार फारिग हो जाएं, उसके बाद हम लोग बैठकर इसकी औपचारिक घोषणा कर दें। जमुई में भी एक चौरा